क्लास कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है वो है एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शन। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें पाई जा रही हैं वो सारी क्या हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट है। वो चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द पाई जा रही हैं और हमारी लाइफ को इफेक्ट कर रही हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। एवरी थिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म, वो तमाम चीज़ें जो ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द पाई जा रही हैं, दैट इफेक्ट इट्स लाइफ, और उसकी लाइफ को इफेक्ट कर रही हैं, उसे हम क्या बोल रहे हैं, उसे हम एनवायरनमेंट कह रहे हैं। लाइक टेम्परेचर, सॉयल, वाटर, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे एनवायरनमेंट में पाई जा रही हैं। और कि टेम्परेचर जो है कि वो किस तरह से हमें इफेक्ट कर रहा है, जैसे मई जून में आप लोग देखते हैं हमारे पंजाब की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन इसी तरह अगर आप लोग हिली एरियाज की तरफ जाएं वहाँ टेम्परेचर गिरना स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पाई जा रही होती है। तो इस तरह से वेरिएशन आ जाती है टेम्परेचर में, इस तरह से लाइफ इफेक्ट हो रही है। और इसी तरह से जो है प्लांट्स और एनिमल्स की डिफरेंट टाइप की वैराइटीज़ हमें मिलने देखने को मिलती है। ड्राई फ्रूट्स जो है वो हिली एरियाज़ की तरफ उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी अच्छी होती है। इसी तरह मैंगोज़ वगैरह के है जो वो पंजाब की तरफ उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी अच्छी होती है, क्योंकि टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा है, वाटर इफेक्ट कर रहा है। इस तरह ये सारी वेरिएशन जो है, ये सारी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द पाई जा रही हैं उसे हम क्या बोल रहे हैं, उसे हम इन्वायरमेंट बोल रहे हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स। इन्वायरमेंट के कौन से कंपोनेंट है? इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट हैं, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायो का मतलब होता है लाइफ, लाइफ लिविंग कंपोनेंट, वो तमाम कंपोनेंट जो जानदार हैं, जानदार चीज़ें वो बायोटिक फैक्टर बनाती हैं, और जो बेजान चीज़ें हैं वो है एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में क्या आते हैं, प्लांट्स। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि प्लांट्स जो हैं वो जानदार हैं, प्लांट्स जो हैं वो लिविंग हैं, एनिमल्स वो भी लिविंग है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो भी लिविंग है। बायोटिक फैक्टर कौन कौन से हैं? प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोटिक फैक्टर का हम लिविंग फैक्टर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो सारी एबायोटिक फैक्टर है, क्योंकि इसमें तो लाइफ है ही नहीं। लाइक एयर, वाटर, टेम्परेचर, सॉयल एंड लाइट, ये सारी क्या हैं? बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर। नेक्स्ट है बायोटिक फैक्टर, बायोटिक कंपोनेंट। मैंने आपको बताया बायोटिक कंपोनेंट कौन सा, प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लिविंग कंपोनेंट जो है वो है बायोटिक कंपोनेंट। अब हमने बताना है कि बायोटिक कंपोनेंट किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, मीन्स किस तरह से इन्वॉल्व हैं वो एक दूसरे के साथ। सबसे पहले इन्होंने बताया है कि जो बायोटिक कंपोनेंट है वो इस तरह से इन्वॉल्व है फूड की वजह से, क्योंकि हम लोग सबको पता है कि हम लोग अपनी फूड कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं। प्लांट्स अपनी फूड बनाने के लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से लेता है, वो इन्वायरमेंट से लेता है। और इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आते हैं, जब हम रेस्पायर करते हैं, जब हम रेस्पायर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर रहे हैं, और वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ले रहे हैं अपनी फूड बनाने के लिए। तो इस उन्होंने कहा है बायोटिक कंपोनेंट जो है वो फूड की बेस पे एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो टर्म है उन्होंने बताई है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या है? वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, विच आर कैपेबल टू मेक देयर ओन फूड। वो ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं वो प्रोड्यूसर हैं। जैसे कि प्लांट्स, सिर्फ प्लांट्स है ना, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है वो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, इसीलिए वो प्रोड्यूसर है। और इन रिटर्न वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं जो हम लोग रेस्पायरेशन के प्रोसेस में यूज कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग डिपेंड कर गए ना एक दूसरे के ऊपर। और नेक्स्ट है कंज्यूमर्स। नेक्स्ट कंज्यूमर। कंज्यूमर में उन्होंने कहा है वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, मींस वो अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनिमल्स पर या प्लांट्स पर डिपेंड कर रहे हैं अपनी फूड के लिए। उसमें उन्होंने बताया है कि थ्री टर्म्स उन्होंने बताए हैं कि तीन तरह के ऑर्गेनिज्म हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो फूड के लिए प्लांट्स पर या एनिमल्स पर डिपेंड कर रहे हैं। सबसे पहले है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस नाम से ही पता चल रहा है, हर्बीवोरस नाम से ही पता चल रहा है, हर्ब प्लांट्स। हर्बीवोरस वो हैं जो सिर्फ प्लांट्स ईट करते हैं, उनकी खुराक क्या है, सिर्फ प्लांट्स है। जैसे कि काओ, रैबिट, खरगोश वगैरह, गाय वगैरह, भैंस वगैरह, वो क्या करते हैं, वो चारा ही खाते हैं ना, वो सारे क्या यूज़ कर रहे हैं, प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं अपनी फूड के लिए। नेक्स्ट है कार्निवोरस। कार्निवोरस वो होते हैं जो एनिमल्स को ईट करते हैं या वो हर्बीवोरस को ईट कर रहे हैं। मीन्स हर्बीवोरस में मैंने बताया ना कि क्या है, प्लांट्स हैं,
वो एनिमल्स जो हर्बीवोरस को और एनिमल्स को दोनों को खा रहे हैं वो कार्निवोरस हैं, लाइक लाइन, टाइगर, ईगल वगैरह। नेक्स्ट है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस वो होते हैं जो प्लांट्स को भी ईट करते हैं और एनिमल्स को भी ईट करते हैं, लाइक ह्यूमंस एंड क्रो वगैरह। जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग इंसान हैं, हम लोग क्या खाते हैं, हमने चिकन भी खाना है, मटन भी खाना है, बीफ भी खाना है। इसी तरह से हमने वेजिटेबल्स जो हैं वो प्लांट्स में आते हैं ना, हमने वेजिटेबल भी खाने हैं। इसी तरह से हमने जो फ्रूट्स लेने हैं, हमें फ्रूट्स कहाँ से मिलते हैं, हमें फ्रूट्स भी प्लांट्स से मिलते हैं। तो ओमनीवोरस वो होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ईट करते हैं। नेक्स्ट है डीकम्पोजर्स। अब डीकम्पोजर्स में प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उन्होंने ख़त्म भी तो होना है, प्लांट्स ने भी ख़त्म हो जाना है, एनिमल्स ने भी ख़त्म हो जाना है। तो उन्होंने कहा है जब प्लांट्स और एनिमल्स ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा प्लांट्स और एनिमल्स जब ख़त्म हो जाते हैं उनकी डेड बॉडीज़ वगैरह जो है वो पड़ी होती है, पड़ी पड़ी कुछ अर्से बाद वो सारी जो है वो डीकम्पोज होना स्टार्ट हो जाती है। किसकी वजह से डीकम्पोज वो होना स्टार्ट हो जाती है? फंजाई और बैक्टीरिया की वजह से। उन्होंने कहा डीकम्पोजर्स वो होते हैं, वो बैक्टीरिया, वो फंजाई हैं जब एनिमल्स और प्लांट्स डाई हो जाते हैं, मींस प्लांट्स और एनिमल्स जब ख़त्म हो जाते हैं तो फंजाई और बैक्टीरिया के थ्रू उनकी जो डेड बॉडीज हैं वो डिकम्पोज हो जाती हैं, मींस ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती हैं। डीकम्पोजर्स का इम्पोर्टेंट रोल है हमारे इन्वायरमेंट में, क्योंकि ये नेचुरल सोर्स है, नेचुरल वे है रिसाइकिलिंग का। मीन्स अगर प्लांट्स और एनिमल्स ख़त्म हो गए, उसमें से जो डीकम्पोज बैक्टीरिया और फंजाई ने उन्हें डीकम्पोज कर दिया, बैक्टीरिया और फंजाई जब उन्हें डीकम्पोज कर देंगे उसमें, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है ना कि हमें क्या होते हैं, हमें मिनरल्स पाए जाते हैं, हमें न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। जब प्लांट्स एनिमल्स वगैरह डीकम्पोज हो जाएंगे तो वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाएंगे? सॉइल में जाएंगे। इससे सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है, इन्हांस हो जाती है। तो उन्होंने कहा ये नेचुरल सोर्स है, उन्होंने कहा ये नेचुरल सोर्स है रिसाइकलिंग का। डीकम्पोजर्स क्या करते हैं? डीकम्पोजर्स जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उन्हें ब्रेक डाउन उनकी स्टार्ट कर देते हैं, उनकी ब्रेक डाउन करके उन्हें सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये सिंपल सब्सटेंस प्लांट्स और एनिमल्स यूज करते हैं, इन्हें रीयूज किया जाता है अपनी प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म डिपेंड वन एंड अदर। मैंने आपको बताया ना कि लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, लिविंग नॉन लिविंग के साथ भी इंटरेक्ट कर रही है, जो लिविंग है वो लिविंग के साथ भी इंटरेक्ट कर रही है। किस तरह से वो इंटरेक्ट कर रहे हैं ये हम पढ़ेंगे। उन्होंने कहा फूड, फूड में सबसे पहले आप लोगों को बताया है मैंने कि हम लोग हैं, चाहे हम लोग हैं चाहे एनिमल्स हैं, जो भी हैं ह्यूमंस एनिमल्स, वो अपनी फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं प्लांट्स पे, क्योंकि वेजिटेबल्स, सीरियल्स या फ्रूट्स वगैरह ये सारी कुछ, ये सारी जो चीज़ें हैं हम कहाँ से ले रहे हैं? हम प्लांट्स से ले रहे हैं ना। इसका मतलब है कि हम डिपेंड कर रहे हैं प्लांट्स पे। और एनिमल्स ने अपनी खुराक कहाँ से लेनी है? यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है ना कि हर्बीवोरस वो एनिमल्स जो डिपेंड सिर्फ प्लांट्स ईट कर रहे हैं वो भी डिपेंड कर रहे हैं किस पे? प्लांट्स पे। उन्हें भी अपनी खुराक कहाँ से लेनी है? प्लांट्स से लेनी है। नेक्स्ट है फॉर शेल्टर। कुछ बर्ड्स जैसे कि ओल वगैरह हैं वो कहाँ पे रहते हैं? वो दरख्तों पे रहते हैं। दरख्तों पे कैसे रहते हैं? वो दरख्तों में सुराख करके रहते हैं। उल्लू वगैरह को आप लोगों ने देखा होगा कि वो दरख्तों पे सुराख करते हैं और उसके अंदर वो लोग रह रहे होते हैं। और इसी तरह से आपने देखा होगा कि दरख्तों पे जो है वो कीड़े मकोड़े रेंग रहे होते हैं। इसका मतलब है कि वो भी उनके होम्स हैं। कीड़े मकोड़े भी डिपेंड कर रहे हैं प्लांट्स पे अपनी शेल्टर के लिए, मीन्स अपने घर के लिए। तो उन्होंने कहा है कि जो हशरात वगैरह हैं वो भी डिपेंड कर रहे हैं प्लांट्स पे। उसके बाद उन्होंने कहा कुछ बर्ड्स हैं लाइक स्पैरोज वगैरह हो गए, ईगल वगैरह होगी, वो भी दरख्तों पे अपने घोंसले बना के रहते हैं। प्लांट्स एनिमल्स को शेड प्रोवाइड भी कर रहे हैं और अपनी सराउंडिंग को कूल रख रहे हैं। नेक्स्ट है फॉर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, मीन्स अपने दुश्मनों से बचने के लिए दरख्तों पर चढ़ जाते हैं। जैसे कि बिल्ली है, वो दरख्त पर चढ़ जाती है जब भी उसके पीछे कोई और जानवर लगता है। और उन्होंने कहा पैरेट, पैरेट किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। और आपको पता है कि लीव्स भी ग्रीन कलर के होते हैं। उन्होंने कहा कि ना पैरेट जो है वो अपने एनिमी से बचने के लिए टिप पे जाके बैठ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बताया कि ग्रास होपर। ग्रास होपर को भी आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात आप लोगों ने जब लॉन वगैरह में बैठते हैं तो वहाँ पे घास जो होती है, घास के ऊपर ग्रास होपर बैठा होता है। आप लोगों को पता नहीं चलता क्योंकि ग्रीन कलर की घास है, ग्रीन कलर का ग्रास होपर है। इस तरह से उन्होंने कहा है कि एनिमल्स जो है वो डिपेंड कर रहे हैं प्लांट्स पे अपने एनिमीज से बचने के लिए। नेक्स्ट है प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल। पहले हमने पढ़ा कि एनिमल किस तरह से डिपेंड कर रहे हैं प्लांट्स पे, अब हमने पढ़ना है कि प्लांट्स किस तरह से एनिमल पे डिपेंड कर रहे हैं।
आप लोग को पता है कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है प्लांट्स को अपनी फूड बनाने के लिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहा है। और मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है, वो इन्वायरमेंट में से ले रहा है। और इन्वायरमेंट में कहाँ से आ रही है कि जब एनिमल्स और ह्यूमंस जो है वो रेस्पायर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेगा और अपनी फूड बनाएगा। नेक्स्ट है पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या है? पोलिनेशन प्लांट्स की रिप्रोडक्शन की एक टाइप है, किस तरह से प्लांट्स जो है वो रिप्रोड्यूस हो रहे हैं उसे हम पोलिनेशन बोल रहे हैं। पोलिनेशन प्लांट्स की रिप्रोडक्शन की टाइप है। कभी आप लोगों ने देखा होगा जो हनी बी वगैरह होती है वो जाके फूल पे बैठ जाती है, फूल से जो पोलन ग्रेन है वो उसके परों में लग जाते हैं, वहाँ से वो दूसरे प्लांट्स पे जाएगी तो वो जो पोलन ग्रेन उसके परों पे लग चुके हैं वो दूसरे प्लांट्स पे जाके गिर जाते हैं, तो इस तरह उनकी फ्यूजन होती है पोलन ग्रेन्स की और न्यू प्लांट्स वहाँ पे ग्रो करता है। नेक्स्ट उन्होंने आपको दो क्वेश्चन दिया, उन्होंने कहा अगर डिकम्पोजर्स जो हैं वो इन्वायरमेंट में ना पाए जाएं, अगर डिकम्पोजिंग प्रोसेस जो है वो ना हो, डिकम्पोजिंग फंजाई और बैक्टीरिया वगैरह जो हैं वो डिकम्पोज ना करें तो क्या होगा। मैंने आपको बताया कि डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स जब ख़त्म हो जाते हैं बैक्टीरिया और फंजाई की मदद से उसे डिकम्पोज करते हैं डेड बॉडीज़ को। जब है कि अगर डिकम्पोजिंग का जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाए, डिकम्पोजर प्लांट्स जैसे कि मैंने आपको बताया बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोज कर रहे हैं ना, उन्होंने कहा अगर डिकम्पोजिंग का प्रोसेस ख़त्म हो जाए तो क्या होगा। अगर डिकम्पोजिंग का प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा तो ये नेचुरल सोर्स है किसका, रिसाइकलिंग का, तो नेचुरल सोर्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट में उन्होंने मून जो है वो अर्थ की नेचुरल सेटेलाइट है और अर्थ जो है वो फुल ऑफ लाइफ है, मीन्स अर्थ पे सिर्फ लाइफ पाई जा रही है। मून और अर्थ दोनों जो हैं वो लाइट कहाँ से ले रहे हैं, उनका लाइट का सोर्स क्या है, सन। उन्होंने कहा लेकिन अर्थ पे लाइफ है मून पे लाइफ नहीं है, कौन से फैक्टर्स हैं जो अर्थ पे पाए जा रहे हैं लेकिन मून पे नहीं पाए जा रहे, कौन से फैक्टर हैं? बायोटिक फैक्टर्स, जस्ट बिकॉज ऑफ बायोटिक फैक्टर, क्योंकि बायोटिक फैक्टर मून पे नहीं है सिर्फ अर्थ पे पाए जा रहे हैं। आज का टॉपिक आप लोगों का इतना ही था। होम स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।